और आज यूनिक व्यू आपको ले चलेगा एक बहुत ही भव्य जगह जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है, महाकाल लोक कॉरिडोर। और शाम को हम महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन पहुंचते ही हमें ये शाम का माहौल मिला और दिन भर की यात्रा के बाद हमें लगाई थी भूख, तो हमने ऑर्डर किया मोमोज और गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लेने के बाद बिना किसी देरी के हम जाएंगे वहाँ जहाँ के लिए आज की थी हमारी ट्रिप। और ये हम महाकाल लोक कॉरिडोर के एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर का नंदी गेट दिखाई दे रहा होगा जिसको देखकर कदम रुक नहीं रहे। जल्दी से हम वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का भव्य नज़ारा। महाकाल लोक कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है नंदी द्वार, और यहाँ की भव्यता देखते ही बन रही है। ऐसा लग रहा है मानो सोने से निर्मित यह भव्य द्वार हो। इसकी लाइटिंग और जो इसमें कलाकृतियाँ हैं आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत दृश्य है ये। और ये नंदी द्वार के पास श्लोक अंकित है और विनायक की मूर्ति के साथ हम करते हैं महाकाल लोक का श्री गणेश। और साथ ही इस द्वार की भव्यता को कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ हमने कैमरे में फिल्माने की खूब कोशिश की। और ये देखिए कितनी डिटेल्स में यहाँ पे आप कलाकृतियों को देख सकते हैं, कितनी अच्छी कलाकृतियाँ हैं और उतनी अच्छी लाइटिंग जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है। और जय महाकाल के उद्घोष के साथ हम नंदी द्वार पर उसकी कलाकृतियों को देखते हुए थक नहीं रहे हैं और इतना अद्भुत दृश्य है, नज़र हटाए नहीं हट रही है। इसके साथ हम महाकाल कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कितनी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ। महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के कुल 108 पिलर्स स्थापित किए गए हैं जिसमें भगवान शंकर की अलग अलग मुद्राएं अंकित हैं। और अगर आपको मैं बताऊं तो इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 950 मीटर है, मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और इसकी भव्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये है कमल ताल जहाँ पर भगवान शिव जी की बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। और अभी जो हम घूम रहे हैं वो महाकाल कॉरिडोर में सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, उनको इस ढंग से व्यवस्थित किया गया है। बहुत बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। इसी के साथ ही हम एक और अलौकिक दृश्य की ओर बढ़ते हैं। रुक जा रुक। इसके साथ ही हम बढ़ चुके हैं एक और अलौकिक दृश्य पे जहाँ देखिए आप कितनी अच्छी लाइटिंग्स। और ये है रुद्र सागर जहाँ पर लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ से पूरे कॉरिडोर का व्यू देखा जा सकता है। कितना लंबा ये अलौकिक दृश्य है। और
रुद्र सागर के ही बगल में इस तरह की व्यवस्थित कलाकृतियाँ, व्यवस्थित मूर्तियों की मुद्राएँ, उनमें से कुछ विशेष मूर्तियों की झलक आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, कितनी ही अच्छी व्यवस्थित ढंग से साजो सज्जा की गई है। और इस मूर्ति को देखिए, कितनी सुंदर इसकी कलाकृतियाँ हैं, कितना अलौकिक ये अपनी भव्यता को प्रदर्शित कर रहा है। और फिर रुद्र सागर के किनारे किनारे होते हुए हम बाकी का कॉरिडोर के लिए हम जाते हैं। अभी लगभग हमने बहुत ही कम कवर कर पाया, अभी 700-800 मीटर का कॉरिडोर का व्यू हम देखने के लिए हमारा बाकी है। रुद्र सागर के बगल में जो मार्ग बनाया गया है, वहाँ देखिए कितनी डिटेल्स में कितनी सारी मुद्राओं को अंकित किया गया है और कितने व्यवस्थित ढंग से इसमें लाइट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। बहुत ही अलौकिक दृश्य महाकाल लोक। और ये भगवान शिव जब विवाह के लिए जाते हैं तो ये उनकी शोभा यात्रा का दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। काफी सुंदर यह दृश्य लग रहा है। ये पर्वत पर भगवान शिव और उनके पूरे परिवार को अंकित किया गया है। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में लोग अपने फैमिली के साथ आकर इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। और महाकाल लोक में कुछ सेक्शन ऐसा है जहाँ पे गार्डनिंग वगैरह इतनी अच्छी है। यहीं पास में भारत माता मंदिर है जिसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भारत माता मंदिर। तो इस तरह हम महाकाल कॉरिडोर की भव्यता का आनंद लेते हुए जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो महाकाल ज्योतिर्लिंग का जो मुख्य मंदिर है वहाँ तक हमें ले जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं के साथ 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं और साथ ही लगभग 1100 के आसपास अलग अलग मुद्राओं में भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इनके साथ साथ और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और ये हम धीरे धीरे जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है उसके मुख्य मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। और ये है महाकाल ज्योतिर्लिंग का मुख्य मंदिर जहाँ से भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। इस तरह हमने महाकाल लोक की भव्यता का आनंद लेते हुए कॉरिडोर पर लगभग 2 से 2.5 घंटे व्यतीत किए। सुबह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अपना स्लॉट बुक किया। वह पैदल पैदल उज्जैन के मार्केट में घूमते हुए वापस अपने रूम की तरफ आते हैं और साथ ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर हम अपना डिनर शुरू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने आपको दिखाने की कोशिश की। प्लीज़ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर।